नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। तो मित्रों, हमारी पिछली वीडियो में हमारा जो विषय चल रहा था वो था श्री कृष्ण के ऊपर, कि श्री कृष्ण को जो कृष्णा कहते हैं या राम को जो रामा कहते हैं, वो उनका जो अपनी भाव है, जो उनकी भक्ति है या जो उनकी उपासना है, वो सीधे कृष्ण को प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि कृष्णा अर्थात द्रौपदी का नाम है होता है। तो इसी विषय में हमने आगे फिर बातचीत की थी कि धर्म के विषय में क्या हम प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा मैंने खुद बचपन में फेस किया है कि जब मैंने एक बार पूछा था कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, तो मुझे पंडित जी ने कहा कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अर्थात हम मंत्रों के द्वारा इस पत्थर की मूर्ति जो कि निर्जीव है, उस मूर्ति के अंदर हम प्राण डालेंगे तो हम उसके अंदर प्राण फूंकते हैं, अर्थात हम उसको सजीव बनाते हैं। जो मूर्ति है निर्जीव है उसको हम सजीव बनाते हैं ताकि वो आशीर्वाद दे सके। दैट्स बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो मेरा प्रश्न यही था कि क्या वो जिस प्रकार से मरने के बाद में कोई व्यक्ति निर्जीव हो जाता है, तो क्या वो मंत्रों के द्वारा उसमें भी प्राण की प्रतिष्ठा कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि वो भगवान की माया है और भगवान जब चाहे जिसके चाहे प्राण ले सकते हैं और जब चाहे जिसमें प्राण दे सकते हैं। तो मैंने कहा जब प्राण देने का कार्य और प्राण लेने का कार्य दोनों ही कार्य परमपिता परमात्मा का है, ईश्वर का है, तो आप कौन होते हैं कि एक मूर्ति के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं या प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, और वो भी इतने बड़े प्राण की प्रतिष्ठा के वो आप ही लोगों को आशीर्वाद देना शुरू कर देगी, आप ही लोगों की मनोकामनाएं पूरी करना शुरू कर देगी। तो उस समय पंडित जी के पास में कोई उत्तर नहीं था और उन्होंने सीधे मेरी माताजी को कहा कि आज के बाद अंकुर को आप मंदिर नहीं लेकर आएंगी। तो मैंने कहा कि मैं मंदिर क्यों नहीं आऊं, अगर मेरे मन के अंदर कोई प्रश्न है तो मैं तो पूछूंगा। तो उन्होंने कहा कि आपको अगर मंदिर आना है तो उसकी एक शर्त होगी कि धर्म के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं होगा। यहां आकर के मेरा दिमाग ठनक गया और मैंने कहा कि ठीक है कि मैं धर्म के ऊपर कोई भी प्रश्न नहीं करूंगा। तो मैं मंदिर जाता रहा और उसके बाद में स्थिति यहाँ आती है कि जब मैं 6th पास किया तो 7th में आया, 7th पास किया तो 8th में आया। तो मेरे मन के अंदर ये जिज्ञासा थी कि जब मैं एकेडमिक एजुकेशन के अंदर अब धीरे 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 आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं धर्म के अंदर आज भी मंदिर पर ही क्यों अटका हुआ हूँ। मुझे शुरुआत में कहा गया था कि जिस प्रकार से एक बच्चा जब शुरुआत में स्कूल जाता है तो उसको नहीं पता होता है कि क्या होता है, उसको स्वर व्यंजन के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से उसको कबूतर का चित्र दिखा करके उसको बताया जाता है कि देखो ये क से कबूतर है, ये ख से खरगोश है, ये ग से गधा है, एक्चुअली ग से गाय नहीं पढ़ाएंगे, वो बताएंगे ग से गधा पढ़ाएंगे, तो जो भी तो ए फॉर एप्पल होता है। तो जिस प्रकार से वह चित्र दिखा करके हमको समझाया जाता है, तो धर्म में हम क्यों आगे नहीं बढ़ते हैं? एकेडमिक एजुकेशन में हमने ए फॉर एप्पल छोड़ दिया है, क से कबूतर छोड़ दिया है, ग से गधा छोड़ दिया है, अब हम वहाँ बुक्स पढ़ने की हमको आवश्यकता नहीं होती है, अब हमको पोडियम पर बुलाया जाने लगा है, अब हम खुद स्पीच देने लगे हैं, अब हम प्रश्नोत्तर को लिखने की बजाय सीधे सीधे एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो धर्म में हम आज भी क्यों मंदिर मूर्ति और ये सब चित्रों के ऊपर ही अटके हुए हैं? तो उसमें हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? वहाँ हमारी 12th BA, BSc, MCOM वहाँ क्यों नहीं होती? वहाँ हम PhD क्यों नहीं करते हैं? धर्म में हम PhD क्यों नहीं करते हैं? ये मेरे अंदर प्रश्न थे। तो उन्हीं को ही मैं खोजते खोजते गुरुकुल पहुँचा और मेरे जो गुरु हैं आचार्य प्रद्युम्न जी, आचार्य सुमना जी, उन लोगों ने, आचार्य सत्यजीत जी, तो उन लोगों ने इन समस्याओं का निराकरण किया और उससे मैं फिर थोड़ा और आगे बढ़ा। तो मेरा वहाँ भी यही प्रश्न था कि हम धर्म के ऊपर प्रश्न क्यों ना करें। तो उस समय मुझे आचार्य जी ने बताया था कि जो लोग खुद से ही इस सवाल को नहीं जानते हैं और सवाल छोड़ो उसका जवाब भी नहीं जानते हैं, या फिर वो जवाब की तरफ चल भी नहीं रहे हैं, जिनका काम चल रहा है मंदिर में आए हुए पूजा पैसे, मंदिर में आने वाले पैसे से, मंदिर में आने वाले धन से, मंदिर में आने वाले फल फूल आटे से, जिनका काम चल रहा है, तो उनको क्या जरूरत पड़ी हुई है? आज की स्थिति यह है कि अगर आपको आयुर्वेदिक उपचार करना है तो डॉक्टर कोई भी हो तो वो उसको आपको 2 घंटे एक्सप्लेन करना पड़ता है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा। एलोपैथी में तो आपको ऐसा एक्सप्लेन ही नहीं करना पड़ता, तो आप जाते हैं मुझे बुखार हो गया तो उसने आपको दवाई दे दी। आप उनसे कभी नहीं पूछते हो कि उससे क्या आपको साइड इफेक्ट होगा, उससे उसमें कौन कौन से कंटेंट डले हुए हैं, कौन कौन से साल्ट हैं। मेरे को अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ कि इसके अंदर कौन सा साल्ट है, मुझे कहाँ बेनिफिट करेगा या नुकसान भी कर सकता है। हम नहीं पूछना चाहते क्योंकि हमारे सामने पूरी तरीके से एक लेयर बना दी गई है जिसको तोड़ना हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हम जाते हैं सीधे लेते हैं। धर्म का विषय भी कुछ इसी प्रकार से है। धर्म के लिए हम मंदिर जाते हैं, सीधे जाते हैं, वहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं, मनोकामना पूरी होगी, कौन मनोकामना पूरी करेगा? जिस
पत्थर के अंदर, जिस मूर्ति के अंदर, जिस निर्जीव मूर्ति के अंदर एक पंडित जी मंत्रोच्चारण करके खुद से प्राण प्रतिष्ठा करता है, जो उसको खुद से उन्होंने जन्म दिया, जिस मूर्ति को उन्होंने खुद से पैदा किया है, वो ही हमको आशीर्वाद देने के लिए सक्षम हो गई है। तो बड़े कौन, बड़ी मूर्ति या बड़े पंडित जी? प्रश्न ये भी बनता है। तो दोस्तों, प्रश्न करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, और ये हमारा धर्म हमको सिखाता है कि हर चीज के ऊपर आपने प्रश्न करना है। अगर मैं आज किसी भी हिंदू भाई से पूछूं कि आपका सबसे जो दिल के करीब है कौन सा ग्रंथ है, तो वो वेद का नाम नहीं लेंगे, वो दर्शन का नाम नहीं लेंगे, वो पुराण का भी नाम नहीं लेंगे, वो कहेंगे कि हमारे दिल के सबसे समीप जो हमारे घर के अंदर है वो है श्री गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता जी सबके घरों के अंदर है। और ये सब पढ़ते पढ़ाते भी आप पंडित लोगों की ये बात सुन लेते हो कि धर्म के विषय में कोई भी प्रश्न नहीं करना चाहिए। आपको पता है उसके अंदर 18 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में ही अर्जुन अपना धनुष छोड़कर और श्री कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है और कहता है कि हे मधुसूदन, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। तो श्री कृष्ण भगवान उसको समझाते हैं और उसको बोलते हैं कि हे पार्थ, ये तेरा धर्म है, ये धर्म युद्ध है और तुझे करना ही पड़ेगा। और पूरे 18 अध्याय में प्रश्न करता जाता है अर्जुन और जवाब देते जाते हैं भगवान श्री कृष्ण। हम गीता को सिर्फ पढ़ते हैं, बांचते हैं, उसके श्लोकों को हमने सिर्फ ये समझ लिया है कि सिर्फ और सिर्फ मुक्ति प्रदाता है। यदि कोई व्यक्ति मरने वाला है तो उसके कान में जाकर के दो श्लोक सुना दीजिए तो उसको मोक्ष मिल जाएगा, उसको बैकुंठ धाम मिल जाएगा, उसको स्वर्ग लोक मिल जाएगा। नहीं, गीता स्वयं में जीवन को जीने की कला सिखाती है। गीता जी हमको सिखाती है कि हमको प्रश्न करना चाहिए, गीता जी हमको सिखाती है कि हमको तर्क करना चाहिए, गीता जी हमको सिखाती है कि सवाल का जब तक संपूर्ण जवाब न मिल जाए, अत्यंत विवेकपूर्ण उसका उत्तर हमको न मिल जाए, तब तक शांति से नहीं बैठना चाहिए। प्यासा था अर्जुन और प्याऊ थे श्री कृष्ण, और जब तक उसकी संपूर्ण प्यास, विवेक पूर्ण प्यास नहीं बुझ गई, तब तक उसने श्री कृष्ण जी से प्रश्न पे प्रश्न, प्रश्न पे प्रश्न करता ही चला गया। और ऐसे हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण ऐसे धैर्यवान कि उन्होंने अर्जुन के सभी प्रश्नों का धैर्यपूर्वक उत्तर दिया और सटीक उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी, कि वो तो अपनी ताउमर जो है गोपियों के साथ में ही डांडिया रास करते रहे, रासलीलाएं रचाते रहे, पूरा जीवन उन्होंने इसी में ही गुजार दिया। और फिर हम कहते हैं कि गीता जी का इतना बड़ा उपदेश उन्होंने दे दिया। बहुत सारे मिथक हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि चलो, गीता जी को आपने ले लिया, 6 दर्शन हमारे पास हैं, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। 6 के 6 दर्शन प्रश्नोत्तर शैली पर ही बने हुए हैं। मेरे पास में वैशेषिक दर्शन है और मैंने अपने गुरुकुल में रहते हुए 4 दर्शनों का अध्ययन किया है, और उन पूरे दर्शनों के अंदर ये मेरे पास में वैशेषिक दर्शन है, और वैशेषिक दर्शन ये उदयवीर शास्त्री जी का है, और उदयवीर शास्त्री जी के इस वैशेषिक दर्शन में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो भी आपको विज्ञान पढ़ना है। और धीरे धीरे हम भी कोशिश करेंगे कि वैशेषिक दर्शन के प्रत्येक विषय को हम इस प्रकार से आपको समझाएं ताकि आधुनिक विज्ञान की परिदृष्टि से आपको ये दर्शन समझ में आए। ये मेरे पास में न्याय दर्शन है, ये द्वारिकादास शास्त्री जी का है, ये भी हमने वहीं पर पढ़ा। तो न्याय दर्शन हमको सिखाता है कि वार्तालाप कैसे करनी है, तर्क वितर्क कैसे करना है। और हमारे 6 के 6 दर्शन हमारे वेदों से ही तो निकले हैं, हमारे वेद सिखाते हैं हमको तर्क वितर्क करना। आजकल मैं देख रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति यूट्यूब पर आकर, हमारे हिंदू भाई ज्यादातर वो आते हैं, और जो वहाँ भी विचारधारा है उसी के अनुकूल चलते हुए वो क्या कर रहे हैं, सर उतारने के लिए वो पैसों का इनाम दे रहे हैं। मुझे पिछले दिनों किसी ने कहा कि कश्मीर के अंदर वहाँ भी विचारधारा ISIS घुस चुका है। मैं कहता हूँ वो सिर्फ कश्मीर के अंदर नहीं है, हमारे हिंदू भाइयों के दिमागों में भी ISIS घुस चुका है। हम कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते, हम सीधे सीधे गर्दन उतारने की बात करते हैं। ये क्यों,
क्योंकि हम लोगों के अंदर ही वहाबी विचारधारा आज पनप रही है। और ये क्यों पनप रही है? क्योंकि हमने अपने दर्शन को छोड़ दिया है। हम आज विदेशी दर्शन पढ़ते हैं, हम आज विदेशी फिलॉसफी पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन फिलॉसफी क्या है वो आज के विषय आज के समय में कोई नहीं जानता है। इसलिए मेरा ये सभी से ही हमेशा की भांति करबद्ध निवेदन है कि अगर अपने धर्म को समझना है तो धर्म के मर्म को समझो, अंधानुकरण किसी का भी मत करो। ये सत्य है जो सनातन है, जो वैदिक है, उस धर्म का पालन करो, क्योंकि सनातन वही होता है जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। और जो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है वो कभी भी झुठलाया नहीं जा सकता है, उसके ऊपर कभी भी आक्षेप नहीं हो सकता है। हम अपने महापुरुषों को नीचा दिखाने का कार्य ना करें। हम भगवान श्री राम को, योगेश्वर श्री कृष्ण को, भगवान शिव को, आराध्या दुर्गा को इस रूप में प्रस्तुत ना करें कि उनकी फैंटेसी बन जाए। हम उनको जीते जागते उदाहरणों की तरह पेश करें, ना कि फैंटेसी की तरह, क्योंकि फैंटेसी हमेशा झूठी होती है। उसको आप 2 मिनट के लिए भुना सकते हो, चमत्कार दिखा करके एक बार को भुना सकते हो कि हमारे भगवान देखो कितने चमत्कारी थे, ये था, अल्लाना था, फलाना था, ढिमकाना था, लेकिन वो सत्य के धरातल पर ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते। इसलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है कि ज़्यादा नहीं तो किसी अच्छे शिक्षक से आप न्याय दर्शन तो अवश्य पढ़ें, और जो मेरे विज्ञान के जो छात्र भाई हैं वो वैशेषिक दर्शन अवश्य पढ़ें, योग के जो छात्र हैं वो योग दर्शन, सांख्य दर्शन अवश्य पढ़ें। अगर आप कर्मकांड की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आप ईश्वर को अच्छी तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप वेदांत पढ़ें, आप कर्मकांड के लिए दोनों मीमांसा पढ़ें। और सबसे अंतिम शब्द मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जो भी पढ़ें, लेकिन आप उसको गढ़ें। आपके घर में गीता जी है, लाल कपड़े से उसको निकालिए, उसकी धूल साफ कीजिए, उसको माथे से लगाना बंद कीजिए, उसको सीधे सीधे पहले उनके अक्षरों को पढ़िए, उनमें क्या मर्म है, धर्म का जो मर्म है उसको ग्रहण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।